नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चव्हाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, कल रिलीज हुआ था रामचरण, कियारा आडवाणी स्टारर और शंकर सर ने डायरेक्ट किया हुआ गेम चेंजर, इस मूवी का टीजर। टीजर मैंने कल रात को ही देख लिया था, लेकिन कल रात को मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश, तो अभी सुबह सुबह आपके सामने ये टीजर का मेरा जो रिएक्शन है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक तो इंडियन 2 या हिंदुस्तानी 2, इसके बाद शंकर सर को एक अच्छे कमबैक की जरूरत है। रामचरण का भी नॉर्थ इंडियन बेल्ट में भी और महाराष्ट्र में भी लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके अगले वेंचर का, खास करके RRR के बाद। लेकिन जो टीजर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है वो इतना निराशाजनक है। मतलब एक तो ऐसा घटिया प्रकार से एडिट किया हुआ टीजर मैंने काफी टाइम तक देखा नहीं है 2024 में। जिस प्रकार से इस टीजर को एडिट किया गया, ऐसे लग रहा है कि ये 2000 या 2010 का हम कोई मूवी देख रहे हैं। चाहे वो जो फॉन्ट्स हो कि डायरेक्टेड बाय कि वा या फिर थमन एस म्यूजिकल, मजा नहीं आया यार। एक तो मतलब वही पुराना जो हम लोग जिस सिनेमाज इसमें देखते थे कि उसके जैसा कोई नहीं, भगवान है वो, सुबह 4 बजे उठने वाला, गाय का दूध निकालने वाला, बहन के लिए ये करने वाला, गांव के पढ़ाई के लिए ये करने वाला, गांव के बच्चों के पढ़ाई के लिए ये करने वाला, वैसे ही लग रहा था। लेकिन जब उसको मतलब उसके जैसा कोई भगवान है नहीं, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तब उसके जैसा रुद्र अवतार कोई नहीं है। तो फिर एक बार वही लगा यार, कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। वही फॉर्मूला, वही साउथ इंडियन फिल्म्स का पुराना मसाला बस तड़का मार के लगा दिया है। मतलब टीजर में बार बार हमें 2 लाइन सुना देते, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहा है, या फिर इन द एंड रामचरण जी बोलते हैं कि आई एम अनप्रेडिक्टेबल। वैसे ही मुझे कुछ ये टीजर लग रहे हैं। रामचरण हमें 2 लुक्स में भी दिखाई देते हैं। एक आई थिंक वो टिपिकल थोड़ा फार्मर वाला लुक है और एक थोड़ा रिच मे बी कॉर्पोरेट वाला होगा, या फिर उनका डबल रोल होगा, या फिर उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होगी। ये शायद रिच से पुअर या पुअर से रिच, और उसके बाद जो करप्शन है हमारे सिस्टम में एज यूजुअल, जो शंकर सर के हर एक मूवी में होता है। मतलब उनके मूवी में स्क्रीन प्ले कम होते हैं, करप्शन के 10-12 केसेस उठा के उसको हीरो के साथ जोड़ दो और फिर उसको एडिट करके एक साथ लगा दो, ऐसे कुछ लग रहा है। बट जो इसके 2 गाने आए थे, जरगंडी हो या दूसरा कौन सा आया था वो रामचरण जी का, मैंने उस पर रील भी बनाया था, उसका नाम भूल गया मैं, ना मचा मचा रहा ऐसे कुछ, तो मुझे लगा था कि चलो कुछ अच्छा होगा वही। लेकिन पुराना BGM, वही सब पुराना ही लग रहा है। कुछ मजा तो मेरे को तो नहीं आया। अगर आपने टीजर देखा होगा तो आपके रिएक्शन क्या है उस टीजर के ऊपर, ये याद से मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। टीजर की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। हालांकि जिस टीजर को 5.8 हिंदी में और आई थिंक तेलुगु में 2.8 मिलियन व्यूज है, वो तो आपने पक्का देखा ही होगा। लेकिन बाय चांस अगर आपने नहीं देखा होगा तो कृपा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करना और आपके रिएक्शन, आपकी राय जरूर बताना। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि मेरा जो रिएक्शन है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं डिसअपॉइंट तो हूँ 3 लोगों के वजह से। एक तो रामचरण थमन एस म्यूजिकल, उसके वजह से भी, कियारा आडवाणी की वजह से और शंकर सर की वजह से। मजा तो नहीं आया बॉस, इतना तो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।